ये है बॉलीवुड की सुपरस्टार अभिनेत्री रवीना टंडन जी का घर। आज की इस वीडियो में हम आपको इनके इसी घर के अंदर का वीडियोज भी दिखाएंगे कि इनका घर अंदर से कितना शानदार है और अंदर से इस घर को कैसे रवीना टंडन जी ने सजाया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों, आज फिर से हम पहुंच चुके हैं मुंबई के बांद्रा में और देख सकते हैं कि हम कहां पर हैं, एकदम ठीक समुद्र के किनारे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को दिखाने वाले हैं रवीना टंडन जी का घर। जी हाँ दोस्तों, रवीना टंडन मुंबई में कहाँ पर रहती हैं, उनका घर कैसा है, उनके घर की प्राइस क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर लगातार कमेंट कर रहे थे कि रवीना टंडन का घर आप दिखाइए कि वो मुंबई में कहाँ पर रहती हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको उनका घर दिखाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए गाइस, अब चलते हैं उनके घर की तरफ और आपको उनके जीवनी से लेकर उनके घर के बारे में सब कुछ बताते हैं और दिखाते हैं। गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं रवीना टंडन जी के घर के पास और आप लोग देख सकते हैं यही है रवीना टंडन जी का घर। और यहाँ पे इनके गेट को ऊपर से पॉलीथीन से ढका गया है ताकि बारिश में ये गेट जो है ख़राब ना हो, क्योंकि ये वुडन होता है, मतलब लकड़ी का बनाया हुआ होता है। इधर भी देखिए, एक छोटा सा गेट है। इस घर का नाम है A16 नीलाया और वहाँ पर गार्ड साहब भी बैठे हुए हैं। आप लोगों को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि रवीना टंडन जी का घर कैसा है, इनके घर के अंदर का नज़ारा अभी आप लोगों को हम दिखाएंगे तो आप लोग भी कहोगे हाँ क्या घर है। इन्होंने इतनी खूबसूरती से इस घर को अंदर से सजाया है। और रवीना टंडन जी के बायोग्राफी के बारे में भी बताएंगे कि इनके हस्बैंड कौन हैं, इनके बेटे बेटियां कौन हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, बाहर से कुछ इस तरह का नज़ारा इनके घर का दिख रहा है और काफ़ी खूबसूरत लोकेशन पर भी है, बांद्रा में है ये लोकेटेड। और ऊपर से पूरा अरब का जो सी फेसिंग इलाका है वो सब कुछ दिखता है। तो इस घर की प्राइस ना बहुत ज़्यादा है। बांद्रा में और जुहू में एक आलीशान बंगलो होना, घर होना, वो बहुत ही बड़ी बात होती है। और जो आप लोग ये घर देख रहे हो, ये ठीक रिजवी कॉलेज जो होटल मैनेजमेंट कॉलेज है उसके जस्ट सामने है। अब चलिए थोड़ा सा आपको अच्छे से इसके जो ये घर है इसके अंदर का भी वीडियोज़ दिखाते हैं। ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं, ये वीडियो इसी घर के पीछे साइड का है जहाँ पर रवीना टंडन जी कुछ लड़कियों के साथ मस्तियाँ करती हुई दिखाई दे रही हैं। बगल में एक वीडियो आप और देख पा रहे होंगे जहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा रखी गई है। ये इनके घर का बहुत ही प्यारा सा मंदिर है जहाँ अक्सर ये पूजा करती हुई दिखाई देती हैं और सुबह शाम ये दोनों टाइम यहाँ पे गणेश जी की आरती भी करती हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में रवीना जी बैठ के कुछ बात कर रही हैं, लेकिन उनके पीछे की जो दीवार है और जो सजावट है वो काफ़ी कमाल की है और वो अपनी तरह सभी को आकर्षित भी करती है। इनके घर के अंदर का इंटीरियर जो है ना वो बहुत ही लाजवाब है। आपको बाहर से देखने में ये बिल्डिंग जो A16 नीलाया है ये काफ़ी सिंपल लगेगा, लेकिन अंदर से क्या इन्होंने अपने घर को लुक दिया है वो मैं आपको कुछ वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि ये वीडियो रवीना मैम ने अपने छत पर से बनाकर शेयर किया है, जहां सामने रिजवी कॉलेज भी दिखाई दे रहा है और ये नारियल का पेड़ भी दिखाई दे रहा है। ये रवीना मैम के द्वारा इसी घर के छत पर से शेयर किया गया वीडियो है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि रवीना मैम अपनी बेटी के साथ ऊपर छत पर बारिश के टाइम में मस्तियाँ करती हुई दिखाई दे रही हैं और ये सबसे ऊपर की बालकनी में खड़ी हुई हैं जहाँ पर कुछ ऐसा नज़ारा है और ऊपर से पूरा शहर ही दिखाई देता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये इनकी बेटी हैं जो सबसे ऊपर टेरेस पर बैठी हुई हैं, वहाँ ये लोग मस्तियाँ भी करती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं ये लॉकडाउन का वीडियो है जहाँ पर रवीना मैम अपने छत पे खड़ी होकर यहाँ पर थाली बजाते हुई दिख रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें बांद्रा स्थित रवीना के इस बंगले का नाम नीलाया है। यह आलीशान बंगला सी फेसिंग है। रवीना के इस बंगले की कीमत करीब 10 से 12 करोड़ रुपये है।
सपनों की इस घर को सजाने के लिए ये ज्यादातर इसमें लकड़ी का यूज की है। एक इंटरव्यू में रवीना टंडन ने अपने घर के बारे में बताते हुए कहा था कि मैं अपने बंगले में फ्यूजन चाहती थी, मुझे केरल में बने घर बेहद ही पसंद है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में ज़्यादा हरियाली और मेरा घर अंदर पूरा लकड़ी से डिजाइन करके उसको सजाया जाए। रवीना के घर के अंदर पहुँचते ही चारों तरफ हरियाली दिखाई देगी। आउटडोर की बात करें तो काले और लाल और ग्रे पत्थरों से इसे सजाया गया है। आपको बता दें कि रवीना के घर के अंदर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा प्यारा मंदिर है, जिसमें बैठकर पूरे परिवार के लोग पूजा पाठ भी करते हैं। इसे बनवाते वक्त वास्तु का भी पूरा ध्यान रखा गया है, मंदिर को किस तरह बनवाया जाए कि सूरज की रोशनी वहाँ पर पहुँचे। एंट्रेंस के पास भी गणेश जी की कलात्मक कृति लगाई गई है। रवीना इस समय 48 साल की हो चुकी हैं। इनका जन्म 26 अक्टूबर 1974 को मुंबई में हुआ था। 1991 में आई फिल्म पत्थर के फूल से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में इनके हीरो सलमान खान थे। फिल्मों में कामयाबी के बाद रवीना टंडन ने 2004 में बिजनेसमैन अनिल थडानी से शादी कर ली। शादी के बाद वो अब रवीना मुंबई के पॉश इलाकों में से बांद्रा में रहती हैं। रवीना टंडन के पिता का नाम रवि टंडन है, जो एक निर्माता है, और इनके माता का नाम वीड़ा टंडन है। इनके एक भाई हैं जिनका नाम राजीव टंडन है। दोस्तों आपको बता दें, रवीना टंडन के 4 बच्चे हैं, जिनमें से शादी के पहले ही रवीना टंडन ने 2 बेटियों को गोद लिया था। उन बेटियों का नाम है पूजा टंडन और छाया टंडन। और शादी के बाद उनके एक बेटे और एक बेटी का जन्म हुआ। बेटे का नाम है रणबीर टंडन और बेटी का नाम है राशा टंडन। सभी के साथ ये इसी घर में रहती हैं। अगर रवीना टंडन की नेटवर्थ की बात करें तो इनका नेटवर्थ टोटल करीब 100 करोड़ रुपए है, और मंथली इनकम इनका 1 करोड़ के ऊपर का है। अगर वहीं पर सालाना इनकम की बात करें तो साल भर में ये करीब 8 से 12 करोड़ रुपए कमा लेती हैं, और एक मूवी के लिए ये करीब 3 से 5 करोड़ रुपए फीस भी चार्ज करती हैं। आपको पता होगा कि KGF 2 में ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल निभाई हुई थी, और उस रोल के लिए इन्हें अवार्ड भी दिया गया था। अब वहीं पर इनके कार कलेक्शन की बात करें तो इनके पास जगुआर XZ है, जिसकी कीमत 1.2 करोड़ रुपए है। मर्सिडीज GLS है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। ऑडी Q7 है, जिसकी प्राइस 70 लाख रुपए है। वहीं पर टोयोटा इनोवा है, जिसकी प्राइस करीब 22 लाख रुपए है। दोस्तों इनका एक घर जुहू में भी है। उस घर का एड्रेस हम आपको बता दें, रवीना निप्पान सोसाइटी टंडन हाउस जुहू चर्च। जी हाँ गाइज, फिलहाल ये बांद्रा वाले घर में ही अपनी पूरी फैमिली के साथ रहती हैं। यहाँ आपको कुछ तस्वीरें भी हम दिखा दें कि इनके घर के अंदर का इंटीरियर और सजावट कितना शानदार है। यहाँ पर देखिए, इनकी पूरी फैमिली है, मौसी मौसा, नानी नाना, चाची चाचा, और यहाँ पर ये लोग कुछ अपना खाना पीना खा रहे हैं। ये भी इनके घर के अंदर का ही फोटोज है। ये इनका जिम एरिया है, और ये सारी तस्वीरें मैं आपको इसी घर के अंदर का दिखा रहा हूँ। तो गाइज, उम्मीद करूँगा कि ये ब्लॉग आपको सभी लोगों को पसंद आया होगा। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जल्द ही मिलते हैं नए एक्टर्स के नए घर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।